उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। हाल ही के घटनाक्रम पर नजर डालें तो यूपी सरकार के शीर्ष नेतृत्व के दो शिखर एक दूसरे के खिलाफ आस्तीन चढ़ाए नजर आते हैं। यूं तो योगी और मौर्य के बीच मनमुटाव की खबरें इनकी सत्ता संभालने के बाद से ही सत्ता के गलियारों और मीडिया में आ रही थी, लेकिन अब मामला थोड़ा गंभीर हो गया है। हालत ये हो गई है कि चाहे योगी हो या मौर्य, दोनों एक दूसरे के अधीनस्थ विभागों की गड़बड़ियों पर सक्रियता दिखाकर खुद को 20 साबित करने पर तुले हुए हैं। गौरतलब है कि साल 2019 में सीएम योगी आदित्यनाथ ने केशव प्रसाद मौर्य के पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा पिछले दो सालों में कराए गए टेंडर और बड़े निर्माण कार्यों की जांच करने के निर्देश दिए। ये ठेके और निर्माण कार्य करीब 2000 करोड़ रुपए के हैं। सीएम योगी को संदेह है कि पीडब्ल्यूडी विभाग में ठेकों और निर्माण कार्यों में जमकर धांधली हुई है। संदेश ये गया कि योगी इसके जरिए केशव प्रसाद मौर्य पर नकेल कसना रखना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद नाराज केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री को उनके नेतृत्व वाले विभाग एलडीए में फैले भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के बारे में एक चिट्ठी लिख डाली। केशव मौर्य ने अपनी चिट्ठी में एलडीए के कई अफसरों पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और इनकी जांच की जानी चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि केशव प्रसाद मौर्य की गोपनीय चिट्ठी मीडिया में लीक हो गई। इससे मुख्यमंत्री के अधीन वाले एलडीए में करप्शन की बात सार्वजनिक हो गई। इसे योगी के एक्शन का मौर्य की ओर से जवाब माना गया। अक्टूबर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीडब्ल्यूडी की रोड मेंटेनेंस यूनिट की एक रिव्यू बैठक की। इसमें केशव प्रसाद मौर्य शामिल नहीं हुए। इस मीटिंग में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में सड़कों की बदतर हालत और उनके रखरखाव को लेकर अधिकारियों की क्लास लगाई और सड़कों के गड्ढे भरने की तारीख 15 नवंबर तय कर दी। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक योगी आदित्यनाथ इस मीटिंग में इतने नाराज हुए कि उन्होंने प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी को उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के भी आदेश दे दिए जो कि जिलों में फंड होने के बावजूद सड़कों की मरम्मत और निर्माण का काम नहीं कर रहे। इसी मीटिंग में योगी आदित्यनाथ ने पीडब्ल्यूडी शहरी विकास और सिंचाई विभाग के 2 साल के सभी कार्यों की जांच के भी आदेश दिए। वेब 20 न्यूज के लिए राहुल की रिपोर्ट।